वेप बेसिकली इसमें जो इनहेल करते हैं सब्सटेंसेस उसमें निकोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाइल और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जब ये आप इनहेल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाता है, आपके ब्रेन में पहुँचते हैं इसके केमिकल्स, तो दे आर नॉट गुड बिकॉज निकोटीन बेसिकली स्टिमुलेट्स ब्रेन केमिकल्स एंड डोपामीन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है विच इज़ अ रिवॉर्डिंग सिस्टम। और जब ये ज़्यादा होता है तो हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं सो दैट कि इसके असर को कम ले सकें। बट धीरे धीरे इसे टॉलरेंस बनती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकोटीन चाहिए होता है। सो निकोटीन के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इट इज़ एज़ बैड एज़ वी नो स्मोक अ सिगरेट। सो निकोटीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें देखा गया है कि अगर यंग एज टीन एज में लिए जाते हैं तो ये ब्रेन के साइनेप्स फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं और जिससे आपकी मेमोरी में और ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी इसका जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो निकोटीन है बेसिकली ये स्ट्रोक का भी कॉमन रीज़न है। देखा गया है कि स्मोकिंग से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक्स का, हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा आपकी मेमोरी कंसंट्रेशन में भी फ़र्क पड़ता है स्मोकिंग से और निकोटीन से। इसके अलावा जो ब्रेन का वॉल्यूम है, न्यूरॉन्स का लॉस, वो मेमोरी इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, डिमेंशिया में आपका प्रोग्रेशन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो इसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे अगर आपकी बॉडी को ब्रेन को निकोटीन की आदत पड़ गई है और जब आप सडनली उसको विड्रॉ करते हैं तो यू फील रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, एंगर, मूड चेंजेस। सो वेप निकोटीन ब्रेन को बॉडी को बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित करते हैं और नॉट ओनली इन द यंग एज, इन ऑल्ड एजेस वी शुड अवॉइड using these substances.